कॉमेडियन वीरदास अमेरिका में अपने उस शो को लेकर काफी चर्चा में आ गए थे। अमेरिका में एक शो में उन्होंने अंग्रेजी में चंद पंक्तियां पढ़ी थी, जिसके कारण वे लोगों के निशाने पर आ गए। लोग उन्हें ट्विटर पर ट्रोल तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें देशद्रोही तक कह रहे हैं। हालांकि एक पक्ष द्वारा वीरदास का समर्थन भी किया जा रहा है। आप पत्रकार सुधीर चौधरी का वीडियो देखिए, जिसमें वे देश की औरतों को लेकर बोल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, भगवती जागरण होते हैं, लोग जय माता दी के नारे लगाते हैं, नवरात्र के दौरान कन्या पूजन होता है, जिसमें आस पड़ोस की लड़कियों को, आस पड़ोस की कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, जबकि हमारे ही देश में लोग इन्हीं कन्याओं के साथ रेप करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। वीरदास ने जो कविता पढ़ी उसकी एक पंक्ति में उन्होंने बोला, मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं, रात में उनका गैंग रेप हो जाता है। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. सुनील चौधरी ने भी अपने वीडियो में कुछ ऐसा ही बोला था। वीरदास द्वारा पढ़ी कविता की वजह से न्यूज चैनलों पर डिबेट हुई और सुनील चौधरी ने भी वीरदास पर टिप्पणी की। वीरदास अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में अपना एक शो कर रहे थे और इस दौरान अपने इस कॉमेडी शो में उन्होंने कहा कि वो जिस भारत से आते हैं वो दो तरह का है, एक भारत जहां दिन में हम महिलाओं की पूजा करते हैं और दूसरा भारत जहां रात में उनके साथ गैंगरेप करते हैं। वीरदास ने भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि हम वो सब कुछ तो आज आपको नहीं सुना सकते। भारत की जो आत्मा है वो आज छलनी कर दी वीरदास ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.